हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फ्यूचर में बेस्ड एक अनोखी स्टोरी देखेंगे जहां बाकी सर्विसेज के साथ साथ जस्टिस सिस्टम भी ऑटोमेटेड हो गया है और इसका शिकार बनता है एक यंग लड़का जो खुद भी नहीं जानता कि आखिर उसने क्या गुनाह किया है। तो मूवी शुरू होती है लॉस एंजलिस सिटी से, जहां एक ड्रोन किसी पैकेज की डिलीवरी कर रहा है। यही हम मैटियो नाम के लड़के को अपनी जॉब पर जाते हुए देखते हैं और तभी उसकी डिजिटल असिस्टेंट टीवी उसे बताती है कि तुम्हारी बस लेट आने वाली है, इसीलिए तुम्हें एक दूसरा रूट लेना होगा। और मैटियो भी उसकी बात मान जाता है। तभी उसके फोन पर एक अर्जेंट मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि जल्द ही तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इससे पहले कि मैटियो को समझ पाए, एक पुलिस ड्रोन उसके सामने आ जाता है। वो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है और कहता है कि तुम्हें यह हथकड़ी पहनकर मेरे साथ चलना होगा। मैटियो उसे समझाता है कि मैंने तो ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन वो ड्रोन उसकी एक नहीं सुनता और अपनी टेजर गन यूज करने की धमकी देता है। कुछ दूसरे लोग उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और मैटियो को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो ईवी से अपने दोस्त को मैसेज भेजने को कहता है ताकि वो उसके बदले उसकी शिफ्ट कर सके और ड्रोन को दिखाता है कि वो चलने के लिए तैयार है। आगे हम उसे क्रैक्टिकोप नाम की एक कॉर्पोरेट जेल में देखते हैं, जहां एक आवाज उसे अपना सामान ट्रे में रखने को कहती है। मैटियो को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक इंसान से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ उसके सुनने वाला कोई नहीं होता। हार कर वो अपना सामान उस ट्रे में रखता है और वो उसे प्रिजन में पहनने वाले नए कपड़े देते हैं। फिर एक आवाज उसे सेल नंबर C14 में जाने को कहती है और उसके अंदर जाते ही दरवाजा लॉक हो जाता है। यहाँ उसे सामने एक टच स्क्रीन नजर आती है जो बताती है कि यहाँ तुम्हें हम एक अच्छा इंसान बनाएंगे, और उसे अपनी हथकड़ी एक होल में डालने को बोलती है। मैटियो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और देखता है कि उसके पास अपने सेल को अपग्रेड करने का भी ऑप्शन है, जिसके लिए उसे एक्स्ट्रा पे करना होगा। लेकिन मैटियो तो बस किसी लॉयर से बात करना चाहता था और ये सुनकर स्क्रीन उसे कुछ ऑप्शंस दिखाती है। मैटियो उनमें से एक लीमा नाम के लॉयर को सिलेक्ट करता है जिसकी रेटिंग बाकी लॉयर से कहीं ज्यादा है और उसे अपनी स्किल्स पर बहुत भरोसा है। मैटियो भी उससे बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन देखता है कि उसकी फीस पूरी $10,000 है। तभी उसे स्क्रीन पर एक पब्लिक डिफेंडर का साइन दिखता है जो कंपनी की तरफ से एकदम फ्री है और वो अपने केस के लिए उसे सिलेक्ट कर लेता है। स्क्रीन डिफेंडर को डाउनलोड करने लगती है और पता चलता है कि ये एक तरह का वर्चुअल लॉयर है जो उसे बताता है कि तुम्हें सजा मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं और इसके लिए तुम्हें 45 to 47 ईयर्स की जेल हो सकती है। मैटियो उससे अपने क्राइम के बारे में पूछता है, लेकिन डिफेंडर उसके सवाल पर कोई ध्यान नहीं देता और कहता है कि अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारी सजा 80% कम हो जाएगी, यानी तुम सिर्फ 5 से 7 साल के लिए ही जेल जाओगे। मैटियो एक बार फिर उससे अपने क्राइम के बारे में पूछता है, लेकिन डिफेंडर की सुई तो बस एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि मैटियो को जल्दी से गिल्टी प्लीड कर लेना चाहिए। मैटियो उसे बहुत समझाता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन डिफेंडर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और ऐसा लगता है जैसे वो बस प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस पढ़ रहा है। फिर कुछ सोचकर मैटियो उसे अपने केस की डिटेल्स बताने को कहता है, लेकिन डिफेंडर बस इतना बताता है कि तुम्हारा ट्रायल होने में 90 डेज का टाइम लगेगा। और ये सुनकर मैटियो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो उसे अपनी बात किसी इंसान से कराने को बोलता है और देखता है कि स्क्रीन उसे कॉल करने का ऑप्शन दे रही है। वो तुरंत अपनी बात सिटी के पुलिस चीफ से कराने को कहता है और बिना पढ़े उनकी टर्म्स और कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जल्द ही उसकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, लेकिन एजेंट्स के बिजी होने के कारण IVR सिस्टम उसे थोड़ी देर होल्ड करने को कहता है। वेट करते हुए मैटियो अपने बेड पर लेट जाता है और इसके बाद उसकी आंखें एक बजर के साउंड से खुलती है, क्योंकि लेटे लेटे उसे नींद आ गई थी। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है जहां लिखा है कि कम बैलेंस होने के कारण आपकी कॉल को काट दिया गया है, और ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। वो स्क्रीन से इसका मतलब पूछता है और उसे बताया जाता है कि इस कॉल का प्राइस $3 पर मिनट था और आपने टोटल 114 मिनट्स बात की है। मैटियो कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और तब स्क्रीन उसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज दिखाती है जिसे उसने बिना पढ़े ही एक्सेप्ट कर लिया था। मैटियो देखता है कि उसके बैंक अकाउंट का सारा बैलेंस खत्म हो चुका है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इससे उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं। वो इसे बुरा सपना समझकर खुद को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि ये सब तो एकदम रियल है और उसे समझ नहीं आता कि अब इस प्रॉब्लम से वो कैसे निकल पाएगा।
परेशान होकर वो वापस अपने बेड पर लेट जाता है, जहाँ सिस्टम उससे पूछता है कि अगर आपको नींद आ रही है तो मैं ये लाइट स्विच ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपका बैलेंस बहुत लो है। आगे वो स्क्रीन पर एक ऐड देखता है जो किसी होममेड नाम की कंपनी की है और वो कैदियों को ऊन से अलग अलग चीजें बनाना सिखाते हैं, जिसे बनाकर कैदी अपने लिए कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। मैटियो भी जानता है कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है और वो होममेड का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद उसे एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें ऊन के साथ साथ एक सिलाई स्टिक भी है और वो इंस्ट्रक्शन बुकलेट से पढ़कर उस काम को सीखने लगता है। आगे हम ऐसे ही उसका डेली रूटीन देखते हैं, जहां वो स्ट्रगल करने के साथ साथ होममेड का दिया काम भी सीख जाता है। इससे उसका अकाउंट बैलेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और मैटियो इस पैसे से अपने लिए अच्छा खाना मंगवाता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो देखता है कि उसका अकाउंट बैलेंस अब $5 का हो चुका है, जैसा कि वो चाहता था। वो इसे यूज करके अपनी मॉम को कॉल करता है, जो उससे पूछती है कि इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थे और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन मैटियो का ध्यान तो अपने अकाउंट बैलेंस पर था, जो धीरे धीरे कम हो रहा है, और वो अपनी मॉम को बताता है कि मैं इस वक्त एक जेल में हूँ, जबकि मैंने ऐसी कोई मिस्टेक नहीं की। ये सुनकर उसकी मॉम परेशान हो जाती है और मैटियो कहता है कि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ बात करने के भी पैसे लगते हैं। तभी कॉल पर उसके डैड भी आ जाते हैं और उसकी जेल में होने का सुनकर मैटियो से अलग अलग सवाल करने लगते हैं। मैटियो देखता है कि अकाउंट में बस $2 बचे हैं और फ्रस्ट्रेट होकर वो उन्हें अपनी बात सुनने को कहता है। उसके डैड उसे अपनी टोन नीचे करने को बोलते हैं, जिस पर मैटियो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि मैं यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और इससे निकलने के लिए मुझे $10,000 चाहिए, ताकि मैं अपने लिए एक लॉयर कर सकूँ। इतना पैसा सुनकर उसके पेरेंट्स चौंक जाते हैं और मैटियो उन्हें समझाता है कि यहाँ मेरी लाइफ और डेथ का सवाल है और धीरे धीरे मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि उसके पेरेंट्स कुछ जवाब दे पाए, बैलेंस कम होने से उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मैटियो को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। तभी स्क्रीन पर वो वर्चुअल डिफेंडर आता है और कहता है कि अभी भी तुम खुद को गिल्टी प्लीट कर सकते हो, और ये सुनकर मैटियो को बहुत गुस्सा आता है। आगे हम देखते हैं कि वो खुद को इस लाइफ में डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया है कि अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकता और ना ही कोई उसकी मदद करने वाला है। इसी तरह एक दिन वो अपने काम में लगा हुआ था और ये तक नोटिस नहीं करता कि उसकी मॉम ने $10,000 ट्रांसफर कर दिए हैं। उसने उनसे अपने लिए एक टॉय भी बनाया है, ताकि उससे अपने दिल की बात कर सके, क्योंकि वैसे भी यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं है और इंसान तो ना जाने उसने कब से नहीं देखे। तभी अचानक वो पुलिस ड्रोन वहाँ आता है और कहता है कि अब तुम्हें ट्रायल का एक ऑप्शन चूज करना होगा। मैटियो कहता है कि उसके लिए तो 90 डेज का टाइम था, और तभी उसे डिफेंडर की आवाज आती है कि तुम्हारा ट्रायल रेडी हो चुका है और तुम्हें गिल्टी और नॉट गिल्टी में से एक ऑप्शन को चूज करना होगा। वो एक बार फिर उसे गिल्टी प्लीट करने को कहता है, ताकि उसका प्रिजन सेंटेंस कम हो सके, और मैटियो को समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। ड्रोन और डिफेंडर उसे बहुत टॉर्चर करते हैं कि तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और हमें जल्दी से तुम्हारे ऑप्शन को जानना होगा। मैटियो की नज़र स्क्रीन पर जाती है, जहां गिल्टी प्लीट करने से उसका सेंटेंस कम हो जाएगा और हार कर वो इसके लिए तैयार हो जाता है। तब डिफेंडर उसे बताता है कि इसका मतलब तुम अपने क्राइम को कबूल कर रहे हो और इसके लिए जो भी सजा तुम्हें मिलेगी वो तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी, जिससे तुम बाद में नहीं मुकर सकते। मैटियो के पास भी और कोई चारा नहीं होता और डिफेंडर उसे अपनी चॉइस को फिर से कंफर्म करने को बोलता है। तभी मैटियो की नज़र मेन्यू पर जाती है, जहां उसके लिए एक अनरेड मैसेज है, और उसे चेक करने पर वो देखता है कि उसकी मॉम ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है कि फाइनली वो अपने लिए एक लॉयर कर सकता है, और वो डिफेंडर से कहता है कि मैं खुद को नॉट गिल्टी प्लीट करना चाहता हूँ। ड्रोन उसकी चॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन डिफेंडर कहता है कि तुम्हें शायद एक बार फिर सोच लेना चाहिए। तब मैटियो उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है और हम देखते हैं कि उसने लीमा नाम के उस लॉयर को हायर कर लिया है, जिससे उसकी वीडियो कॉल होने वाली है। काफी टाइम बाद वो किसी इंसान की शक्ल देखता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। लीमा उसकी ओर एक बार भी नहीं देखता और कहता है कि मिस्टर मैटियो, मैंने आपकी पूरी फाइल पढ़ी है और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि आप इस सजा से बच सकते हो। वो भी उसे गिल्टी प्लीट करने को बोलता है, जिस पर मैटियो कहता है कि लेकिन मैंने तो ऐसा कोई क्राइम नहीं किया।
तब लीमा पहली बार उस पर नजर डालता है और शोक होकर कभी उसकी तरफ तो कभी अपने टैबलेट की तरफ देखता है और कहता है कि इस बार भी ये लोग गलत इंसान को उठा लाए। मैटियू थोड़ा घबरा जाता है और लीमा उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं इंतजार करो और ये कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। मैटियू को लगता है कि कोलरेट्स की ही तरह उसने यहाँ भी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने में कोई गलती कर दी है और वो एक दीवार पर एक मैसेज छोड़ता है कि फाइन प्रिंट्स को हमेशा पढ़ लेना चाहिए। फिर वो परेशान होकर अपने बेड पर लेट जाता है और तभी उसे सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है कि हमें उम्मीद है कि आपने अपने स्टे को एंजॉय किया होगा और अब आप इस सेल से बाहर जा सकते हैं। मैटियू को अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो जल्दी से उस सेल से बाहर आ जाता है। वहाँ वो अपना सामान और अपना सेल फोन उठाता है जिस पर ढेर सारे मैसेजेस आए हुए हैं। पता चलता है कि उसकी बॉस ने उसे काम से निकाल दिया है और जो पैसे उसकी मॉम ने भेजे थे वो उन्होंने बैंक से लोन लिया था। यही उसे होममेड कंपनी का एक ब्रोशर भी मिलता है जो जेल से छूटे सभी कैदियों को जॉब ऑफर करती है और मैटियू को भी उन्होंने यही ऑफर दिया है। फाइनली मैटियू सेंटर से बाहर निकल आता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।